हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से PTET का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसमें कितने नंबर आए हैं एस सेक्शन में, बी में, सी में, डी में। तो सबसे पहले आपके पास रोल नंबर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें रोल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो इसमें दो ऑप्शन और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा PTET, ठीक है। सर्च करने के बाद में ये जो सबसे पहले वाला ऑप्शन ऊपर होगा, इसके ऊपर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में जब थोड़ा इंतज़ार करें और इसको आप डेस्कटॉप साइट पे अगर कंप्यूटर पे चला रहे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे भी आपका सेम काम करेगा। अब यहाँ पे जो PTET है 2 साल का भी 4 साल का है, तो हमें 2 साल वाला नहीं 4 साल वाला देखना, जो प्लस टू के बाद होता है, उस पर ओके कर दें। और मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको बराबर दिख पाए। तो ये नीचे रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ओके कर देते हैं। ये प्लस टू मतलब 12वीं के बाद का है, जो बीएड होता है उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया गया था, तो इसका हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं जिसमें आप फर्स्ट नाम और लास्ट नाम पिता का डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं, और हमारे पास है रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर से चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ ऊपर वाले में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी नंबर डाले हुए हैं बहुत सारे, तो मैं उन्हीं को उनमें से एक उठा के प्रोसीड पे ओके कर देना है आपको। मैं सही कर लेता हूँ, मेंशन सही नहीं हुआ, गलत हुआ है, प्रोसीड पे ओके करते हैं। तो ये देखिए, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा हल्का सा, और इसमें आप चेक कर पा रहे होंगे बिल्कुल, जैसे कि ए सेक्शन में आए हैं, बी में, सी में, डी में, और टोटल है जो 412 थे, ठीक है। तो हम एक दूसरे का और कर लेते हैं चेक, हम दो का रिजल्ट चेक कर रहे हैं, और जो एक व्यक्ति और है उसके दो सौ पैंतीस आए नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी का भी आप, और इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं जो और भी दी हुई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो आज का वीडियो था इसी के ऊपर था, जिनको भी अगर अपना रिजल्ट चेक करना है कि हमारे कितना नंबर आए हैं, अगर नंबर आया या नहीं आया बीएड में, जो 4 साल का बीएड कर रहे हैं, इससे रिलेटेड वीडियो था, ठीक है। तो आगे ऐसी बहुत सारी वीडियो में लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।